अल्लाहम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे ओके आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है जस्ट सिंगल ड्रेस है बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट ठीक है बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद ये कोई रेडीमेड कपड़ा है जो कि जिसकी मैंने मैक्सी बनवाई है या फिर ये कोई मोटिव है या क्या है एवरीबडी वॉन्टिड टू नो इट ठीक है तो आई इस थाट के चलो मैं इसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ ताकि सबकी प्रॉब्लम जो है वो ईजी हो जाए ठीक है ओके सर okay. सबसे so, पहले मैं आपको कपड़े का बता दूँ बेसिकली ये जो कपड़ा है दिस इज uh, रॉ सिल्क सिंपल रॉ सिल्क रॉ सिल्क प्लेन रॉ सिल्क जो आपको मार्केट में मिलती है ये वो है ठीक है और ये बिल्कुल ऐसी प्लेन रॉ सिल्क थी नाउ व्हाट आई डेड मैंने uh, प्लेन रॉ सिल्क का पूरा एक पीस लिया जो कि शर्ट पीस होता है और जिसका बर बड़ा होता है ठीक है छोटे बर वाली नहीं लेनी आपने आ, अगर आपका अगर आपकी बच्ची छोटी है तो आप छोटी ले लो लेकिन मेरी बेटी बड़ी थी तो मैंने मुझे मतलब लाइक पूरा पीस चाहिए था का और बड़े बर वाला उसको मैंने क्या किया कि उसको मैं टेलर के पास लेके गई और उसकी मैंने ये मैक्सी स्टिच करवाई और इसमें बेसिकली सिर्फ थ्री पैनल्स हैं एक सेंटर का पैनल है और दो राइट लेफ्ट के पैनल्स हैं ठीक है मतलब एक राइट साइड पे कर लिया एक लेफ्ट साइड पे कर लिया और एक सेंटर में कर लिया ठीक है इसी तरह से बैक पे है अच्छा इसका मैंने फ्रंट जो है वो टेलर को दे दिया और मैंने उसे कहा कि वो कट करके इसको रेडी कर दे फिर मेरे पास ये मोटिव था जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला लगवाएं बहुत से मोटिव्स हैं मार्केट में अवेलेबल इससे छोटे भी हैं इससे बड़े भी हैं ये काफ़ी बड़ा मोटिव है दिस इज़ अ पीकॉक बेसिकली और ये मैंने all, अभी नहीं लिया ये मैंने टू ईयर्स पहले लिया हुआ ले लिया हुआ था मोटिव और मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो यार मैं इस पर ये लगवा लेती हूँ ठीक है तो ये है मोटिव और ये इतना बड़ा है ठीक है ये पिकॉक का मोटिव है और मैंने क्या किया मैं एप्लिक वाले के पास गई मैंने उससे ये मैक्सी का जो है वो फ्रंट दिया स्टिच नहीं था सिर्फ कट था और पैनल्स जुड़े हुए थे इसके ठीक है उसको मैंने आ, उसको दिया टेलर को और मैंने उसे सॉरी टेलर कह रही हूँ एप्लिक वाले के पास गई और मैंने उसे कहा कि आप इसको फ्रंट पे इस तरह से एप्लिक कर दो ठीक है शोल्डर से स्टार्ट करते हुए जितना ये लंबा आएगा अच्छा उसने शोल्डर से स्टार्ट करते हुए इसको एप्लिक कर दिया उसके बाद मैं इसे लेके गई ब्लॉक प्रिंटिंग वाले के पास ठीक है इसके बॉर्डर पे इस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग है और ये पीकॉक्स बने हुए हैं और बॉर्डर है ठीक है और ये बॉर्डर इस तरह का नहीं था ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं ये मैंने खुद लगाए हैं इसकी बैक मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके जो पीकॉक के मोटिव्स हैं वो किस तरह के हैं ओके गाइस तो ये मोटिव बेसिकली इस तरह की थी ठीक है ये पीकॉक का मोटिव है जो कि मैंने ब्लॉक प्रिंट करवाया और ये बॉर्डर है तो ये पीकॉक का मोटिव है और ये बॉर्डर का मोटिव है और ये इस तरह से प्लेन है ठीक है अभी मैं आपको इसकी बैक दिखा रही हूँ अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखाती हूँ मैंने क्या किया कि जब मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग करवा ली तो मैंने कहा कि थोड़ा और फैंसी और हैवी लुक दे क्योंकि ये शादी के लिए बनवाया था तो मैंने उस पर थोड़े से मतलब मार्केट से स्टोन्स लिए और थोड़े से स्टोन्स लगा लिए अब ये नहीं ये है जी हमारा मोटिव पीकॉक का ओके okay, तो ये हमारा पीकॉक का मोटिव है इस पर इस तरह से स्टोन्स लगे हुए हैं और उसके बाद ये है हमारा बॉर्डर ठीक है ये हमारा बॉर्डर है और ये इसी तरह का है पूरा और पूरे बॉर्डर पे जो है मैंने इस तरह से स्टोन्स लगाए हुए हैं ठीक है तो आई होप इट्स क्लियर आपको समझ आ गया होगा ठीक है एंड दिस इज द फुल पिक्चर ऑफ द मैक्सी ठीक है ये तो हो गया फ्रंट ठीक है इट्स वेरी ईजी आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसको uh, मतलब टेलर को दिया उसके पैनल्स को ज्वाइन किया मैक्सी स्टिच नहीं करवाई फिर मैं एप्लिक वाले के पास गई एप्लिक करवाई एप्लिक के बाद मैंने इसको ब्लॉक प्रिंट करवाया और फ्रंट पे मैंने स्टोन्स लगा लिए फिर मैं इसको टेलर के पास लेके गई स्टिचिंग के लिए अच्छा अब आप मैं आपको इसकी स्लीव्स पे भी दिखा देती हूँ ये है इसके स्लीव्स स्लीव्स पर भी वैसे ही मैंने एक एक जो है ना वो पीकॉक बनवा लिया था तो जी ये है स्लीव वाला पीकॉक ठीक है ये देखें ये स्लीव का मोटिव है ठीक है स्लीव पे पीकॉक बना हुआ है बिल्कुल वैसे जैसे बॉर्डर पे बना हुआ है और स्लीव पे फिर मैंने बॉर्डर नहीं बनवाया अब मैं आपको इसकी बैक शो कर देती ओके तो ये है इस मैक्सी की बै बैक इसके मतलब आ, मैंने ऊपर गले पे बैन रखवाया था और बैक पे जिप ठीक है ताकि बच्चा जो है बच्ची जो है वो ईजीली पहन ले और एक और चीज़ मैंने इसकी बेल्ट लगवाई थी बेल्ट बहुत बारीक आ, उसने स्टिच कर दी लेकिन आपकी मर्ज़ी है आपको इतनी बारीक चाहिए चौड़ी चाहिए या जैसी भी चाहिए मेरी इतनी बारीक है ठीक है ये है बेसिकली फ़िटिंग के लिए क्योंकि बच्ची जो है वो स्लिम है हेल्दी है जैसी भी है तो इस बेल्ट से ये होगा कि अगर उसको ये मैक्सी लूज है तो आप बेशक फिटिंग ना कराओ बेल्ट होगी आप बेल्ट पीछे से टाई अप कर लो एंड वो एडजस्ट हो जाएगी ठीक है उसके बाद बैक पूरी प्लेन है फ्रंट पे तो हमारा मोटिव था और उसी तरह से बैक पे जो है वो हमारे ये पिकॉक्स हैं और हमारा बॉर्डर है ठीक है सो so, ये थी हमारी मैक्सी और आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा बहुत इजी है देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी मैक्सी और इस तरह से लेकिन इट्स एन आइडिया और आई वुड डेफिनेटली लव टू यू नो शेयर माई आइडियाज़ विद यू ऑल ठीक है सो ये मैक्सी है एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल मेक शोर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ दैट्स ऑल फॉर टुडेज यू वॉन्ट एल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़